Hey guys, this is Akash, स्वागत है आपका ब्लास्टर न्यूज में। तो आज हम बात करने वाले YouTube एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि भाई मैंने काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, जिसका रीजन था कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एंड अभी मैं फाइनली ठीक हो गया हूं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाथरस के गैंग रेप के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हो गया यूपी के हाथरस में, एंड इसके ऊपर अमित भड़ा ने रिस्पॉन्ड किया, वो क्या कहे आप भी देखिए। हाथरस की एक बेटी की जान चली गई और इंसानियत हुई शर्मसार, ने तो मनमानी कर ली और अब न्याय होना चाहिए ताकि हमारे देश की किसी बेटी को वो झेलना ना पड़े जो मनीषा को झेलना पड़ा। #justiceformanisha #justiceforhathrasvictim ऑल्सो बोले कि राजस्थान टोंक 15 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप वाली घटना पढ़ी अभी मैंने। ये जो इंसान के रूप में हैवान बैठे हैं, दरिंदे इंसान के भेष में कलंकित लोग हैं। दिल छोटा हो जाता है ऐसी घटनाएं सुन के। भगवान बच्ची के घर वालों को शक्ति दे और इंसाफ मिले, आरोपी बच के ना जा पाए। ऑल्सो भाई जैसा कि आप सब जानते हो कि इस गैंगरेप के आड़ में हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडास चला रही हैं। जैसे कि भाई वो लड़की दलित थी एंड ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं वो लोग। देन उसके ऊपर एल्विश यादव रिस्पॉन्ड किए, वो क्या कहे आप भी देखिए। हेलो एवरीवन, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट करा था ऑल लाइव्स मैटर करके। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मैंने क्या लिखा था कि भाई जब जो रेप करता है वो ये नहीं देखता कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। इंसानों का रेप होता है और उसमें सब आगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो ये सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं देखता कि दलित का रेप हुआ है, पंडित का रेप हुआ है। रेप हुआ है ना, रेप रेप होता है, उसको किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ते। जो ये दलित लाइफ मैटर का बोर्ड लगा के बैठे ना, ये जो खुद बोलते हैं ना कि हम तो जातिवाद के खिलाफ, बहन जो ये क्या है फिर, ये जातिवाद नहीं कर रहेगा तुम कि दलित लाइफ रोज के 91 रेप होते हैं इंडिया में, तुम उस पर तो गायब हो जाते हो। पर जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे अपना प्रोपोगंडा फिट हो जाएगा, यहाँ पे बीजेपी की गलती है, यहाँ पे इसकी गलती है, यहाँ पे लौड़ा लसन ये है, यहाँ पे वो है, वहाँ तुम्हारी अपनी पॉलिटिक्स चलती है, उसकी तुम हाइप बनाते हो। अरे बोलना है तो भाई सब पे बोलना सीखो ना, क्यों अपनी एस्तीसी करवा रहे हो। चलो इनका तो मैं मान सकता हूँ, ये स्वरा भास्कर हो गए, जितने भी लिबरल्स हैं इनका तो काम ही भड़काना भाई नॉर्मल पब्लिक को, कि अपने किसी तरह अपने एजेंडा चलाना है, नॉर्मल पब्लिक को भड़काना, हाइप बनानी किसी एक केस की जहाँ पे इनको अपना पर्सनल फायदा होता हो। पर मैं अभी ट्विटर खोल के देखा मैंने, तो मैंने जो ट्वीट कर रखा था उसके रीट्वीट आ रखे बहुत सारे, उसमें कोई 12-13 साल की चूतिया लड़कियां जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं, सूडो फेमिनिस्ट बोलते हैं, कि पढ़ना मैं क्या ही पढ़ना, उनको देखना ही नहीं, उन्होंने कर रखा कि इसको तो गाली बकने का मन कर रहा है, ये कैसा बंदा है, देखो इसमें भी जाति। अबे बहन जो जाति मैं घुसेड़ रहा हूँ, बहन के लोड़ो तुम घुसेड़ रहे हो, हैं? एक दिमाग नाम की चीज होते हैं बेच खाया, अपने थोड़ी सद्बुद्धि रह लो, थोड़ा सद्बुद्धि से जी लो, और ऊपर वाले से कहीं मंदिर तो क्या ही जाओगे तुम, साड़ो तुम। चलो थोड़ा दिमाग से सोचो यार, ठीक है, अपनी ये बकचोदी मत करो प्लीज गाइस। और इन सब स्टोरीज के बाद अब भी कोई जाहिल बहन चोद बच रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या बोला मैंने, तो एक छोटी सी बात समझाऊंगा, सबको भी समझ आ जाएगी कि रेप रेप होता है, चाहे वो कोई भी हो, समझ आई, उसमें जातिवाद मत घुसेड़ो। तो भाई इन पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी सोच के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना।